साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन, सभी साथी एक बार जल्दी से लाइक कर दें और जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करोगे ये वाला जो ऐप है वो आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से लाइक कर दें और एक बार शेयर भी कर दो अपने मित्रों को, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों एक बढ़िया सा कोर्स चल रहा है, लाइव कोर्स चल रहा है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 1500 में 12 महीने का एक कोर्स है। KBS वाले, LT ग्रेड वाले, TGT, PGT मास्टर कैडर वाले जितने भी हमारे साथी हैं सभी साथी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को, पढ़ते हैं और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स घर पर मंगवाना है वो सभी साथी ये नोट्स घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नीचे नंबर लिखा है, नंबर पे आप संपर्क करिए और ये नोट्स आपके घर तक पहुंचेंगे। आप कहीं भी रहते हैं आपके घर ये नोट्स पहुंच जाएंगे और बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने, गीत गोविंद की टीका बताइए ये किसकी रचना है। गीत गोविंद की टीका बताना है, इसके रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। गीत गोविंद की टीका आपको बताना है, राइट आंसर चयन करेंगे सभी साथी और शेयर भी कर दो जल्दी से, एक बार शेयर कर दी। और गीत गोविंद की टीका, एक तो आपको पता है कि सर गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद रचना जयदेव की मानी जाती है, लेकिन यहां आपसे पूछा गया गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, तो बिल्कुल सही आंसर आया सभी लोगों का कि सर मीराबाई लगा दो, यानी कि डी नंबर लगा दो, ठीक है। गीत गोविंद की टीका इसके रचनाकार कौन है, मीराबाई हैं, ठीक है। अब मीराबाई की दो और आपको बताना है। सरबजीत जी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएंगे, विस्तृत वाले आएंगे, विस्तृत वाले। अगला क्वेश्चन देखो, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, बताओ। चंद्रमा के पर्यायवाची आपको चयन करना है, किस समूह के हैं। चार विकल्प हैं ABCD, इसमें से आपको चयन करना है और एक बार शेयर भी कर देना है, जल्दी से बताएं। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है बिल्कुल भी देर ना करें, चाहे वो पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हो चाहे दोस्तों कोई भी हो। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची बताना है, बताओ। ए नंबर शशि सही है, बी नंबर है, सी या फिर डी, देखते हैं क्या आंसर जा रहा है इसमें। और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर इसमें ए नंबर लगा दो। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, तो चंद्रमा के पर्यायवाची शशि, इंदु, रजनीपति, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ए लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ए नंबर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है। चार विकल्प हैं, सुरेंद्र वर्मा के नाटक आपने पढ़े होंगे, बताइए। राजकुमारी जी, श्वेता जी, बीनू, सरोज जी, कमलाकांत जी, सभी लोग आंसर चयन करेंगे। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चयन करके शेयर भी करिए दोस्तों। 15 तारीख से यानी कि 15 अप्रैल से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिन भी साथियों को इसमें एडमिशन लेना है, ठीक है, वो दोस्तों ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। PDF के पैसे लगते हैं, कौन है ये, नाबिक सरोज जी, आपको अगर PDF चाहिए तो PDF में पे करना पड़ेगा, ₹1999 पे करके आप दोस्तों PDF प्राप्त कर सकते हैं, है ना, हिंदी साहित्य के विस्तृत अध्ययन की, ठीक है। तो यहां पर शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है कि सर वो नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, बहुत बढ़िया। ये नाटक भी पूछा जाता है किसके रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर भी डी नंबर सही हो जाता है, डी नंबर बिल्कुल सही है। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक कौन है, पढ़ा था अभी निबंध जब अपना टॉपिक चल रहा था तब अपन ने इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध पढ़ा था। तो देखते हैं कौन कौन सही आंसर लगा रहा है, रोली सिंह जी, बीनू सरोज जी, सभी लोग बताएं, शशि कुमारी जी, रेखा जी, राजकुमारी जी, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक कौन है, 54 नंबर का क्वेश्चन है, 54 में आपको बताना है, बताइए। सभी लोग बताएंगे, गुंजन सिंह जी, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, फास्ट फास्ट में रेलगाड़ी नहीं चल रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि सर इंडिकेट बनाम सिंडिकेट के क्या करना है, सुदर्शन, दर्शन करना है,
ये नंबर आपका सुदर्शन मजीठिया बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ए लगाया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। खंजन नयन रचना के लेखक कौन है और ये किसके जीवन पर आधारित तो उपन्यास है? खंजन नयन। अर्चना जी बताइए, शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को, दोस्तों एक बार शेयर कर दें सभी साथी। खंजन नयन की रचनाकार कौन है, किसके जीवन पर आधारित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे गए हैं, और लाइक भी कर देंगे सभी साथी, लाइक करिए जल्दी से। खंजन नयन के बारे में एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खंजन नयन के रचना के लेखक कौन है? अमृतलाल लांगर हैं क्या, जैनेन्द्र कुमार हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी? और सभी लोगों ने लगाया कि सर खंजन नयन जो इसके रचनाकार हैं, ये उपन्यास है, ये उपन्यास है अमृतलाल लांगर का, और ये सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है। ठीक है, किसका? ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है जो बिल्कुल सही है। पर्दे की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? पर्दे की रानी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 96 नंबर। अपन ने याद भी किया था पर्दे की रानी कभी कभी क्या हो जाती है, बताइए। बिल्कुल सही है आनंद जी, बहुत बढ़िया ध्यान, धन्यपाल जी। 56 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, और 15 तारीख के बैच में जिसको भी एडमिशन लेना है वो जल्दी करें, बिल्कुल भी देर ना करें। 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 तारीख से 1500 में 12 महीने के लिए आपको पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, 15,000 रुपये दोस्तों, कई कई बच्चों के आप 15,000 रुपये महीना की फीस भी भरते हो बच्चों की, है ना, 50,000 रुपये साल आप बच्चों की फीस भर के आते हो। यहाँ आपके लिए पढ़ने के लिए 1500 में 12 महीने मिल रहा है, रेगुलर अध्ययन, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासें भी। ठीक है, तो पर्दे की रानी जोश में आ जाती है, बोले सर, तो ईला चंद्र जोशी इसके लेखक हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये नंबर वेरी गुड। अंधेरे के जुगनू उपन्यास के लेखक कौन है? 57 नंबर का क्वेश्चन है, अंधेरे के जुगनू उपन्यास के लेखक कौन है? रांगी राघव हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, लज्जाराम मेहता हैं, गोपाल राम गहमरी हैं। 57 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना, अंधेरे के जुगनू उपन्यास के लेखक बताना है, कौन माने जाते हैं? पूर्वा जी, सुनीता जी, लक्ष्मण जी, सभी लोग बताएं क्या है यहां पर राइट आंसर। अंधेरे के जुगनू उपन्यास पूछा गया, 57 नंबर का क्वेश्चन है, और 57 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि सर राघव तो हमारे अंधेरे के जुगनू हैं। राघव क्या है उमाशंकर जी? अंधेरे के जुगनू हैं, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर करेक्ट है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर वेरी गुड। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? 58 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस के ट्रिकी नोट्स मंगवाए हैं, और दोस्तों ये ट्रिकी नोट्स जिनको भी मंगवाना है, नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और सीधे दोस्तों एक सप्ताह के अंदर ये नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे, ये आपके घर तक। संदीप सिंह जी, कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? 58 नंबर का क्वेश्चन है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं दोस्तों, ये नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे एक सप्ताह में, है ना, 7-8 दिन में आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? 58 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर सोम प्रभ सूरी लगा दो। ठीक है, सोम रस का यूज कर रहे हैं आजकल कुमार लोग, कुमार पाल प्रतिबोध। ये रचना पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। तुलसीदास ने मीन की सनीचरी का वर्णन किस रचना में किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं कि सर इन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। किसने? तुलसीदास ने। ठीक है, और तुलसीदास की रचनाओं को अपन पढ़ते हैं कि सर रामज्ञा प्रश्न, है ना, और दोस्तों इनकी रचनाओं को अपन पढ़ते हैं विनय पत्रिका, विनय पत्रिका इनकी ब्रजभाषा की रचना मानी जाती है तुलसीदास जी की, और कई बार अपन ने पढ़ चुके हैं तुलसीदास जी के बारे में कि सर इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, रत्नावली पत्नी का नाम था। आपने देखा होगा सूपी काव्य धारा में ईश्वर की जो उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, वो दोस्तों एक पत्नी के रूप में की जाती है। और मैंने आपको कई बार बताया कि तुलसीदास इतना प्रेम करते थे पत्नी से, इतना प्रेम करते थे, एक बार पत्नी मायके जाती है और तुलसीदास दोस्तों उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, तुलसीदास इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अंधेरी रात नहीं देखी। वो दोस्तों नदी कैसी थी, उफान पर थी, तो नदी में
एक मुर्दा बहता जा रहा था, मुर्दा को दोस्तों क्या लकड़ी समझ के वो पार कर जाते हैं नदी को। और जब घर पहुंचते हैं रत्नावली यानी कि अपनी ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक सांप लटक रहा है, उसको रस्सी समझकर तुलसीदास चढ़ जाते अपनी पत्नी के पास। तो आपको पता ही है कि पत्नी क्या कहती है, एक दोहा कहती है, बहुत ही बढ़िया दोहा है जो आप लोग बताओगे, लेकिन कहती है कि अगर इतना प्रेम आप भगवान से करोगे तो भवसागर से तर जाओगे। रत्नावली कहती है तुलसीदास से, तो तुलसीदास कहते कि हत तेरी की, जिसके लिए मैंने नदी नहीं देखी, काली काली रात नहीं देखी। और वो बोल रही है कि इतना प्रेम अगर तुलसीदास से करोगे तो उतना ही प्रेम, उससे ज्यादा कहीं प्रेम, उससे ज्यादा कहीं भक्ति और श्रद्धा उन्होंने तुलसी भगवान राम पर दोस्तों न्योछावर कर दी, भगवान राम पर उन्होंने व्यक्त कर दी। तभी तो एक बहुत अच्छा बना था दोहा कि चित्रकूट के घाट पे और भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ऐसे थे तुलसीदास। ठीक है, तो तुलसीदास ने मीन की सनीचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है, यानी कि 59 नंबर का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो किया है इन्होंने किस ग्रंथ में किया है, तब आपका उत्तर आ गया कि सर इन्होंने कवितावली में किया है। बहुत ही बढ़िया आंसर, सी नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही है। लाज ना आगता लागत आपको, दौरे आया हूं साथ, और देख देखे ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। बहुत बढ़िया आनंद जी, वेरी गुड। नस्वर का विलोम शब्द क्या है, 60 नंबर का क्वेश्चन है, नस्वर का विलोम शब्द बताना है। शाश्वत है, अमर जीवन है, अमर है जीवन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। सभी लोग लाइक कर दो फटाफट से दोस्तों। ऐसे तुलसीदास थे, ऐसे ही सूफी काव्यधारा में भी कहा गया है कि जितना व्यक्ति जितना प्रेम अपनी पत्नी से करता है, इतना ही प्रेम इतनी ही भक्ति अगर भगवान से करने लगे तो भवसागर से तर जाएगा। लेकिन वो भक्ति और वो श्रद्धा कहां होती है आजकल, है ना। तो नस्वर का विलोम शब्द क्या है, 60 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और आपका उत्तर है कि सर शाश्वत है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका राइट आंसर है। भारत बारह मासा ये किसकी रचना है, भारत बारह मासा के रचनाकार कौन है, प्रेम घन की है, भारतेंदु राधा कृष्णदास, या फिर जगमोहन की है। जल्दी से सभी साथी लाइक करके शेयर भी कर देना, और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों और मस्ती से पढ़ना है, बिल्कुल मजे से पढ़ना है, तो 15 तारीख से जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आपका भी नाम होना चाहिए। तो ऐसे कितने साथी हैं जिनको इस प्रकार पढ़ना है कि सर हमें हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट आ जाए, हिंदी साहित्य जब पढ़े तो ऐसा लगे कि पढ़ने का दोस्तों पढ़ाई छोड़ने का मन ना करे, क्लास करते ही रहें करते रहें ऐसा मन करे आपका, तो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाओ, आपको मजा आएगा। 40 मिनट जो अपनी क्लास चलती है आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहां से निकल गई। तो भारत में 12 मासा बोले सर राधा कृष्ण के दास बने रहते हैं लोग, है ना। तो राधा कृष्ण दास यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह आपको बताना है। आपको पता है दोस्तों इन्होंने 3 खंड काव्य लिखे थे राम नरेश त्रिपाठी जी ने, 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1500 का कोर्स है ये सुचिता यादव जी, 1500 में 12 महीने आप पढ़ सकते हो। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह आपको बताना है। पथिक है, मानसी है, मिलन है या स्वप्न है, एक बढ़िया सी ट्रिक मैंने आपको इसके बारे में बताई थी, अगर किसी को पता हो तो फटाक से कमेंट में लिखेंगे कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में हुआ था दोस्तों। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं त्रिपाठी जी। 62 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तब आपका राइट आंसर है कि सर इनका पथिक क्या है, पथिक इनका खंड काव्य है, मिलन इनका खंड काव्य, स्वप्न इनका खंड काव्य, लेकिन जो मानसी है, मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह माना जाता है, यानी कि ये भी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को आंसर चयन करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना, किसी को ट्रिक हो तो जल्दी से बता देना, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, एक अपन ने ट्रिक बनाई थी कि मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, बहुत बढ़िया दारसु शर्मा जी, राइट। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुग्रहित है, अनुग्रहित है, अनुग्रही है, या फिर अनुग्रहित है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, 63 नंबर का क्वेश्चन है, 63 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। लाइक कर देना सभी साथी, लाइक तो बनता है, ठीक है, और आपका उत्तर है कि सर ये नंबर लगा दो, अनुग्रहित लगा दो, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के ए लिए एक शब्द है अनुग्रहित, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उपेन्द्रनाथ तस्की की सर्वाधिक
प्रोण नाट्य कृति कौन सी है? 64 नंबर का क्वेश्चन है। उपेंद्र नाथ अस्क की सर्वाधिक प्रोण नाट्य कृति कौन सी मानी जाती है? अस्क के बारे में अपन पढ़ते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में, छठा बेटा है, अंजो दीदी है, जय पराजय है, ये पूरी की पूरी रचनाएं जो आप देख रहे हो ये दोस्तों अस्क जी की रचनाएं हैं, अस्क जी की नाट्य कृति है। अब यहां पर आपको चयन करना कि सर्वाधिक प्रोण कौन सी है। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है और इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपको पता है कि अंजो दीदी का छठा बेटा अस्क बहाता है तो अस्क से उपेंद्रनाथ अस्क हो जाएंगे। अंजो दीदी और छठा बेटा, तो अंजो दीदी का छठा बेटा जय पराजय के बाद अस्क बहाता है, तो ये जय पराजय भी नहीं क्या है, ठीक है। तो ये तीनों याद रख लेना, लेकिन 64 नंबर का आपका अंजो दीदी हो जाएगा, वो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मनाशा की हार इसके लेखक कौन है? कर्मनाशा की हार 65 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे कर्मनाशा की हार। आपको पता है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के जो कर्म होते हैं वो इंसान करता जाता है लेकिन उसका फल भी मिलता है। कर्म अच्छे हों या फिर कर्म बुरे हों, फल दोनों के मिलते हैं, है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो इसका फल आपको मिलेगा कि आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। और अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, वो भी कर्म है, उसका कर्म का भी फल मिलेगा। लेकिन व्यक्ति क्या चाहता है कि जो अच्छे कर्म है, बोले सर हमने कर्म किए अच्छे, उसका फल मिल जाए, बाकी बुरे कर्मों का ना मिले। ऐसा नहीं है, कर्म दोनों का फल मिलेगा आपको, ठीक है। तो कर्म नाशा की हार हो जाती है अगर आप सेव का प्रसाद ग्रहण कर लो। तो सेव प्रसाद से है, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के लेखक कौन है? 66 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। लक्ष्मण जी, तनु जी, रेणु जी, नामवर जी, जल्दी से बताइए। अभिषेक जी, क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? प्रमांशु जी बताएं, शिव कुमार जी और सभी साथी, जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हों, चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वाले साथी हों, हरियाणा टेट वाले साथी हों, या एचपी कमीशन वाले साथी हों, या फिर उत्तराखंड एलटी ग्रेड वाले साथी हों, जिनको भी दोस्तों नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, वो नोट्स मंगवा सकते हैं। जिनको भी एडमिशन लेना हिंदी साहित्य को पढ़ना है बहुत ही आसान विधि के माध्यम से, वो एडमिशन ले सकते हैं। 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो पागल कुत्तों का मसीहा 66 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका देखते हैं उत्तर, आप क्या लगाते हो? उत्तर होगा कि सर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पागल कुत्तों का मसीहा कौन है? बोले सर सर्वे करवाएंगे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मील के पत्थर रेखा चित्र के लेखक कौन है? आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो पत्थर गड़े रहते हैं, जो आपको बताते हैं कि कितने किलोमीटर कौन सा शहर कितने किलोमीटर, वो क्या कहलाते हैं? मील के पत्थर कहलाते हैं, है ना। अब आपसे पूछा गया कि मील के पत्थर इसके रचनाकार कौन है? बताइए ओजस्वी जी, मास्टर कैडर का सिलेबस अलग है, कहां से अलग है भैया, कौन सा अलग है मास्टर? हिंदी साहित्य का इतिहास आपसे पूछा जाता है मास्टर कैडर में कि नहीं पूछा जाता, कौन सा अलग है? मील के पत्थर रेखा चित्र के लेखक कौन है? 67 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सभी लोग आंसर बताएंगे। और बोले सर ये जो मील के पत्थर हैं ये वृक्ष के नीचे गड़े रहते हैं, सड़क के किनारे वृक्ष के नीचे गड़े रहते हैं कि नहीं गड़े रहते, तो इसके रचनाकार भी कौन हो जाएंगे? वृक्ष के नीचे तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अब अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मील के पत्थर, तो आपको पता है कि सर मील के पत्थर तो वृक्ष के नीचे, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। चीन में क्या देखा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? चीन में क्या देखा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विश्वनाथ प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी कि 68 नंबर का क्वेश्चन है। तन्मय जी बताइए, शांति वर्मा जी, सभी लोगों को चयन करना है और शेयर भी कर देना अपने मित्रों को। बताएं चीन में क्या देखा यात्रा साहित्य के लेखक कौन माने जाते हैं? लेखक आपको बताना है, देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन और उत्तर चला गया कि सर चीन में क्या देखा, यानी कि राहुल सांकृत्यायन, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मेरी कॉलेज डायरी इसके लेखक कौन है? डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद
सियाराम चरण गुप्त या फिर रघुवीर सहाय। 69 नंबर का क्वेश्चन, 69 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपका उत्तर है कि सर मेरी कॉलेज डायरी यानी कि डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा, ये नंबर आपका सही है ना, बोले मेरी कॉलेज डायरी धीरे से दे दो, धीरे से दे दो, ठीक है। तो धीरेंद्र वर्मा ये नंबर करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। संस्कृत आता है, संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता यहां पर, जुलूस रुका है। रिपोर्ट आज के लेखक कौन है, 70 नंबर का क्वेश्चन, जुलूस रुका है, रिपोर्ट आज के लेखक कौन है, शिवदान सिंह चौहान है, रांगे राघव है, शिव सागर मिश्र है, विवेकी राय है। तो जुलूस रुका है, इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है, भावना जी गंगवार बताइए, राइट आंसर चयन करना है, सीताराम मीना जी, अभिषेक सरोज जी, अच्छा क्वेश्चन है, जुलूस रुका है, रिपोर्टाज के लेखक कौन है, 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। और आपको पता है कि सर विवेक से, विवेक से है ना, जुलूस कैसा रुका है, विवेक से रुका है, विवेक से, तो विवेक से विवेकी राय, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, विवेकी राय राइट आंसर हो जाएगा। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो वाक्य कौन से कहलाते, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो वाक्य बताना है, वो वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, मिश्र, सरल या फिर इनमें से कोई नहीं। चयन करिए जल्दी से और लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। 71 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा कि सर वो सरल वाक्य कहलाते हैं, सी नंबर आपका कहलाता है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य है, सी नंबर आपका करेक्ट है। छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है, 72 नंबर का क्वेश्चन, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, जल्दी से चयन करिए दोस्तों और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिए। क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है, बढ़िया और बम्पर क्लास करवाई जाती है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ते हैं। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रसाद पंत निराला या फिर उदय शंकर भट्ट को, अच्छा क्वेश्चन, 72 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करने के लिए बोला गया और आपका उत्तर है कि सर छायावाद का विष्णु कहा जाता है, पंत को, पंत को, यानी कि बी नंबर आपका सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है, छायावाद का विष्णु पंत को कहा जाता है, बी नंबर। कृपण का सही विलोम शब्द क्या होगा, कृपण का सही विलोम शब्द, परोपकारी, दानी, भिकारी या फिर स्वार्थी। 73 नंबर का क्वेश्चन है, कृपण का सही विलोम शब्द आपको चयन करना है, चयन करिए, 73 का क्वेश्चन है, 73 में राइट आंसर चयन करना है, लाइक कर देना है और आपका उत्तर जा रहा है कृपण, और कृपण का सही विलोम क्या है, उत्तर हो जाता है बी नंबर, यानी कि आपका जो दानी है, दानी बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी नंबर बिल्कुल सही है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है, 74 नंबर का क्वेश्चन है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार बताना है, भीष्म साहिनी है, विष्णु प्रभाकर है, रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर नगेंद्र है, इनमें से 74 नंबर का बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है, 74 का उत्तर सही चयन करना है और आपका उत्तर है कि सर भीष्म साहिनी है, ये नंबर आपका सही है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म साहिनी है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, महाकाव्य किसने कहा है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारी वाजपेयी ने, डॉक्टर नामवार सेन ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। 75 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करके शेयर भी करना है आपको, जल्दी से बताइए और आपका उत्तर है क्या हो रहा है यहाँ पर 75 में, बताओ, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा, और बहुत सारे लोगों ने बी बता दिया जो कि गलत है, आपका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने, कामायनी को मानव चेतना का, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, लाइन से लगा दिया बी नंबर,
बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र। डी नंबर, कवि कुल कंठावरण की रचयिता कौन है? कवि कुल कंठावरण 76 नंबर का क्वेश्चन बताना है। कविता यादव जी बताइए, कवि कुल कंठावरण की रचनाकार कौन है? आलम, दूल्हे, मतिराम या फिर सेनापति? छिहत्तर नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। कवि कुल कंठावरण इसकी रचयिता कौन है? कामायनी को दोस्तों मानवता का रसात्मक इतिहास कहा था नंद दुलारी वाजपेयी ने, है ना। ये कवि कुल कंठावरण पूछा तो आप क्या लगाओगे 76 नंबर के क्वेश्चन में? बोले सर दूल्हे कवि लगा दो, बी नंबर लगा दो, बी नंबर दूल्हे आपका सही है। सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? 77 नंबर का क्वेश्चन है, सजल गीतों की गायिका और आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान को या फिर राय बरेली? बताओ। यहां पर 77 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। भावना जी बताइए, तन्मय जी, सिमर पाल सिंह जी, दूल्हे का कंठ है, बहुत बढ़िया। गुरप्रीत जी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना चूकना नहीं है, 15 अप्रैल तक से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नए बैच में जिनको भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा, यानी कि 1907 में इनका जन्म हुआ था। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है। राधाचरण गोस्वामी का निबंध है। 78 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा निबंध है? तदीय सर्वस्व, संगीत सार, हमलोक की यात्रा या फिर एक अपूर्व स्वप्न है? राधाचरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है? 78 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, लाइक करते हुए शेयर भी करना है 78 नंबर में। बताइए जल्दी से, राधाचरण गोस्वामी का निबंध बताना है, बताइए, लाइक करिए। कल्पना जी, माया राम जी, पूजा गुप्ता जी, नीतू जी, राधाचरण गोस्वामी का निबंध आपको चयन करने के लिए बोला गया। लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दिया करो अपने मित्रों को। और आपको पता है कि सर यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका सही है। तीसरी कसम ये किसकी कहानी है? तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, रेणु जी हैं, यशपाल हैं, राजेंद्र यादव हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरी कसम किसकी कहानी है? ये क्वेश्चन पूछा गया 79 नंबर में। 79 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाता है? तीसरी कसम, बताइए। तीसरी कसम के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रेणु जी आपका राइट आंसर है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, इसके रचनाकार कौन है? स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फिल्लोरी। स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी। बोले सर स्वतंत्र रमा किए हो, लक्ष्मी को परतंत्र बनाए हुए हो, लज्जा नहीं आती, लज्जा से क्या बनेगा? लज्जाराम मेहता, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लज्जाराम मेहता सही है ना। शिलांकित कृति कौन सी है? शिलांकित कृति बताना है, बताओ। शिलांकित कृति के बारे में बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लें। आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये सर्च करना है दोस्तों, ठीक है। कौन सी शिलांकित कृति है और देखते हैं कौन कौन सही लगा पाता है इसमें सही आंसर। शिला पर अंकित कृति 81 नंबर का क्वेश्चन है। 81 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है बी नंबर, यानी राउल बेल आपका राइट आंसर है। शिलांकित कृति बी नंबर मानी जाती है, राउल बेल आपका राइट आंसर है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम बताना है। 82 नंबर के क्वेश्चन में वासुदेव से हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिमूर्ति से हैं, मनमोहन से हैं, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? 82 का उत्तर आपको चयन करना है, 82 में बताना है। और त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम चयन करना है और आपका उत्तर है ए नंबर, यानी कि वासुदेव से हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव से, ये नंबर बिल्कुल सही है। टॉल स्टाय और साइकिल,
ये किसकी काव्य कृति है? टॉलस्टॉय और साइकिल, ये काव्य कृति किसकी है? 83 नंबर का क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय और साइकिल, इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? चयन करें जल्दी। 83 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, टॉलस्टॉय और साइकिल इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? लाइक करके शेयर भी करना है, नामवार जी, तन्मय जी, बिंदु लता जी, और टॉलस्टॉय और साइकिल के जो रचनाकार माने जाते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन में, वो माने जाते हैं दोस्तों, कौन माने जाते हैं बताएं? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह यानी डी नंबर, डी नंबर केदारनाथ सिंह आपका सही आंसर होगा। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? 84 नंबर का क्वेश्चन है। श्रीराम वर्मा है, श्रीराम शर्मा है, श्रीकांत वर्मा है, इनमें से कोई नहीं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लखमिंदर जी, पूनम सैनी जी, तनु जी, सभी लोग आंसर बताएंगे, विकास भाटी जी, कोमल जी तोमर, और शिकार संबंधी जो रोचक निबंधों के रचनाकार हैं दोस्तों, और आपका उत्तर चला जा रहा है कि सर ये लगा दो, श्री राम शर्मा, यानी कि बी नंबर, बी नंबर लगाना है, बी नंबर सही है। मुझसे हंसा नहीं जाता, मैं वाच्य है, मुझसे हंसा नहीं जाता, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 85 का क्वेश्चन है, बताइए राधिका जी, रिंकू जी, कोमल जी, रविंद्र कौर जी, मुझसे हंसा नहीं जाता, इसमें वाच्य कौन सा है? वाच्य बताना अभिषेक सरोज जी, चयन करिए। तन्मय जी, मायाराम, नीतू गुप्ता जी, मुझसे हंसा नहीं जाता, इसमें वाच्य कौन सा है? 85 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और उत्तर है कि सर मुझसे हंसा नहीं जाता, यानी कि इसमें भाववाच्य है, सी नंबर भाववाच्य आपका सही आंसर है। केशव कहिना जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, रचना विचित्र, और अति समझे मनह मन रहिए, ठीक है। रुद्र से इसमें शांत रस है, भयानक है, या फिर अद्भुत रस है, ये बताना है। 86 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना अभिषेक सरोज जी, अर्पिता जी बताइए, अनीता जी, केशव कहिना जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, 86 का उत्तर। लाइक करके शेयर भी करना है, सभी साथियों को शेयर कर दीजिए जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? और उत्तर है कि सर कौन सा रस हो जाएगा? शांत है क्या? 86 नंबर में, 86 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर केशव कहिना जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, है ना? तो कौन सा यहां पर हो जाएगा, सभी लोग बताएं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ लोग बी बता रहे हैं कि सर शांत रस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कुछ लोग सी बता रहे हैं, भयानक रस। और बताओ कौन बता रहा है? केशव कहिना जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझे मनई मन रहिए, मैं कौन सा रच है? कोई विचित्र रचना देखते हो तो आपको क्या होता है? विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, और आश्चर्य किसका सही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस, यानी कि डी नंबर। देखो बहुत सारे लोग शांत रस लगे हैं लगाने। जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां स्थाई भाव को जागृत करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 87 नंबर का क्वेश्चन है, 87 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे 87 नंबर के क्वेश्चन में। जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां स्थाई भाव को जागृत करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 87 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर चयन करना है। विभाव, स्थाई भाव, अनुभव, या फिर संचारी भाव? और आपका उत्तर है कि सर वो होता है, बताइए, 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया और उसे कहते विभाव, यानी कि ये नंबर सही है, ठीक है, विभाव सही है। एक घूंट एकांकी के रचनाकार कौन है? साथ ही इसका रचना काल भी आपको बताना है, एक घूंट एकांकी बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी डाउनलोड कर लें ऐप को,
और शेयर कर दें अपने मित्रों को। दोस्तों शेयर कर दें जल्दी से, लाइक नहीं किया अभी बहुत सारे साथियों ने, सभी लोग लाइक करें, लाइक की संख्या बढ़ाना है सभी को जल्दी। एक घूंट एकांकी का रचना काल क्या है ये भी आपको चयन करना है, साथ ही ये भी बताना है कि इसका दोस्तों रचनाकार कौन है। ये तो पता ही है कि सर हिंदी का ये प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। रचनाकाल और बताइए हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, हर्ष का विलोम क्या होगा, विषाद, प्रहर्ष, खुशी या फिर नीरव। और हर्ष पूछा है आपसे तो आपको बताना कि सर हर्ष का हो जाएगा विषाद, यानी कि ए नंबर विषाद आपका बिल्कुल सही है। 89 नंबर के क्वेश्चन में आपने उत्तर लगा दिया है विषाद, ठीक है। सामिस का विलोमार्थक शब्द बताना है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, सामिस का बताइए। प्रेम कोरी जी, सुनीता जी, सामिस का विलोम क्या है, लाइक कर देना। आमिस, अनामिस, निरामिस या फिर निर्मिस, तो बिल्कुल सही आंसर 90 नंबर में बताया कि सर इसमें निरामिस लगा दो, निरामिस यानी सी नंबर लगा दो, सामिस का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिस। बहुत बढ़िया। सिकंजे का दर्द आत्मकथा के लेखक कौन है, 91 का उत्तर सिकंजे का दर्द बताना है, सुशीला टागबोरे, माता प्रसाद, देवराज उपाध्याय या फिर धर्मवीर माने जाते हैं। सिकंजे का दर्द 91 नंबर के क्वेश्चन में, और 91 क्वेश्चन में हो जाएगा कि सर सिकंजे का दर्द जो आत्मकथा है ये आत्मकथा है सुशीला टागबोरे की। ये नंबर सुशीला टागबोरे आपका बिल्कुल सही है, सिकंजे का दर्द सुशीला टागबोरे, ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 60 वर्ष एक रेखांकन के रचनाकार कौन है, 60 वर्ष एक रेखांकन बताओ, चयन करिए। आत्मकथा किसकी है, रीता कांत जी, चयन करिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए सभी साथी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण इतिहास पढ़ना है, 1500 में 12 महीने आप पढ़ सकते हो दोस्तों। टेस्ट लगा सकते हो, ट्रिकी वीडियो पढ़ सकते हो, और यहाँ पर उत्तर आपका ए नंबर यानी कि सुमित्रा नंदन पंत सही है। कौन सा अर्थालंकार नहीं है, अर्थालंकार कौन सा नहीं है, विभावना, विरोधाभास, श्लेष या फिर भ्रांतिमान, यानी कि 93 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा अर्थालंकार नहीं है, और 93 का जो उत्तर माना जाता है वो माना जाता है श्लेष, यानी कि सी नंबर आपका सही है, श्लेष राइट आंसर है, ठीक है। अर्थालंकार नहीं है श्लेष, सी नंबर। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए, कौन सा अलंकार है, श्लेष है, यमा के उपमा या फिर रूपक अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए नर और वा पाए बोराए, इसमें 94 नंबर के क्वेश्चन में अलंकार बताना है। कनक कनक पूछा गया, कई बार आता है कनक कनक, यानी कि यहाँ पर आपका बी नंबर यमक अलंकार बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बबीता जी, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 95 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक करते हुए जल्दी से बताइए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। और आपका सीधा आंसर चला गया कि सर सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6, यानी कि सी नंबर, सी नंबर। बहुत बढ़िया, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। निम्न शब्दों में से एक पुल्लिंग है उसको बताना, पुल्लिंग कौन सा है, बुढ़ापा, जड़ता, दया या फिर घटना। तो समझ में आ रहा है आपको कि सर पुल्लिंग शब्द की अगर बात करें तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, 96 नंबर का क्वेश्चन और उत्तर चला गया ए, यानी कि बुढ़ापा, ए नंबर आपका सही है, बुढ़ापा सही है, पुल्लिंग है। अन्य अन्य में कौन सी संधि है, अन्य का संधि विच्छेद करना है। एक और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है सुनीता रानी जी, तन्मय जी, लाइक करिए सभी साथ ही, शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक। अन्य अन्य का संधि विच्छेद आपको चयन करना है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जा रहा है कि सर अन्य अन्य का संधि विच्छेद पूछ रहे हो, तो बिल्कुल राइट आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। अन्य धन अन्य, यानी कि वी नंबर आपका सही है, वी नंबर, वेरी गुड। कबीर किस शासक के समकालीन थे, 98 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए सभी साथी, कबीर किस शासक के समकालीन थे। दोस्तों वीडियो को शेयर भी करिए फटाफट से, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, कबीर किस शासक के समकालीन थे, उत्तर हो जाएगा कि सर ये थे सिकंदर लोदी के, डी नंबर सिकंदर लोदी आपका सही है। स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा, स्वप्न का बताइए, दिवा स्वप्न, खुमारी, जागरण, निद्रा, ये बताओ। 99 का क्वेश्चन है, स्वप्न का विलोम बताना है, आंसू गोंडवाल जी बताइए, प्रियंका जी, तन्मय जी, सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है, 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ना, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर जागरण आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और लाइट सो अंतिम क्वेश्चन है, कुटिल का विलोम शब्द क्या है,
कुटिल का विलोम शब्द बताना है, कुटिल का विलोम शब्द आपको चयन करना है। बताइए इनमें से जटिल है, वक्र है, ऋजु है या फिर रूढ़ है। कुटिल का 100 नंबर का क्वेश्चन है, कुटिल का विलोम बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नीचे नंबर चल रहा है तो आप लोग सभी संपर्क करें। कुटिल का विलोम शब्द पूछा गया है 100 नंबर के क्वेश्चन में और उत्तर चला जाता है रिजु यानी सी नंबर। कुटिल का विलोम होता है रिजु, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। ये दोस्तों नंबर है, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स अपने घर पर मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है दोस्तों, इस ऐप में आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और ये टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर वाले जितने भी हमारे साथी हैं, 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें 1500 में 12 महीने का अध्ययन आप कर सकते हो, ठीक है। रमेश जी, मंजू जी, कुमारी जी, कल्पना जी, अंश जी, बबीता, विकास जी, राकेश जी, गुरप्रीत, प्रियंका, निर्मला जी, ठीक है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़े रहें। जय हिंद।